हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे मीन, मीडियन, मोड, रेंज। ये लाइफ में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, मीन, मीडियन, मोड और रेंज निकालने के लिए हमें कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिख रखा है, ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे ही हम लोग ये सारी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। मीन इसको हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है। औसत कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस देता हूँ, चलिए लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ, बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ लिखकर, ये ना भी लिखें तो आप कर लें कैसे करना है, और इन सबको लिखेंगे। तो ये सारा लिख लेता हूँ मैं। अब ये सारे प्लस में ही लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद क्या है, ये देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक, तो ये टोटल 7 हैं। तो हम लोग यहाँ पे बट्टे में 7 लिख लेंगे। उसके बाद ये ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये आपका आएगा 42/7। अब इसको कट कर लो आप लोग, 7 × 42, 6 पे कट गया। तो आपका आंसर जो आया मीन का, या औसत कहें, वो कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मीडियन। अब ये आया मीडियन, मीडियन को हम लोग माध्यिका बोलते हैं हिंदी में, माध्यिका। इसको निकालने के लिए क्या है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, उनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, यानी डिसेंडिंग असेंडिंग में हमें लिखना होता है। तो आइए बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, असेंडिंग में इसे। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन थे, मैंने क्या किया, उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। तो हमारी माध्यिका क्या होगी, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 है, यानी ओड नंबर्स हैं ये। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें 3 इधर से कट कर दो और 3 इधर से कट कर दो। जैसे 1, 1, 1, 1, 1, 1, जितना इधर काटो उतना उधर काटो, तो जो बचेगा वही अपना मीडियन होगा। तो हमारा मीडियन क्या आ गया, ये मीडियन भी हमारा 6 आया। मीन भी कितना आया था? 6, और ये मीडियन भी हमारा 6 आया, ठीक है। अब ये तो रही कि ये 7 थे, कहीं 6 होते तो क्या करते आप लोग, 6 होते तो उसमें भी आप लोग फॉर्मूला ये लगाते, दो, जैसे ये मैंने बंद किया यहाँ पे। अब ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 2 इधर से काटो, 2 इधर से काटो, बीच में 5 और 6 बचेंगे, तो 5 और 6 को ऐड करके और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका मीडियन आ जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे मोड। मोड और हिंदी में इसे बोलते हैं बहुलक, बहुलक हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बहुत बार रिपीट हुआ हो, जो रिपीटेशन हो जिस संख्या की, तो इसमें यहीं पे देख लीजिए, 2, 5, 2, 3, 5, 6, 8, 8, 10। तो अब आप देख चुके हैं 8, 8 आया है 2 बार, तो ये हमारा बहुलक हो गया। सो सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे रेंज। दिस इज रेंज, रेंज मीन्स हिंदी में इसको परिसर बोलते हैं। तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर घटा देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, देखिए 10 है, 10 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो ये हमारा रेंज आ गया। 10 में से 2 जाने पे क्या बचा, 8। तो दिस इज योर आंसर, और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।